नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे दुर्ग के बारे में जिस दुर्ग के बारे में अबुल फजल लिखते हैं कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग बख्तरबंद हैं। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध गिरी दुर्ग एवं वन दुर्ग दोनों की जो विशेषताएँ विद्यमान है वो दुर्ग हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राजा और दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान आर्ट सेंटर, चलिए शुरू करते हैं। रणथंभौर दुर्ग अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा थंभौर पहाड़ी अंडाकार पहाड़ी पर स्थित एक विकट दुर्ग है जो 994 ईस्वी में रणथंभौर देव द्वारा बनाया गया था। इसमें गिरी दुर्ग व वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं विद्यमान है। इसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि यह दूर से दिखाई नहीं देता है, जबकि इसके ऊपर से शत्रु सेना आसानी से देखी जा सकती है। यह दुर्ग चतुर्दिक पहाड़ियों से घिरा है जो इसकी नैसर्गिक प्राचीरों का काम करती है। इस दुर्ग का वास्तविक नाम रणतयपुर था, जिसका अर्थ है रण की घाटी में स्थित नगर। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग में प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सुपारी महल, जोरा बोरा, जोगी महल, बादल महल, हमीर महल, जौहर महल, रनिहार तालाब आदि दर्शनीय स्थल हैं। हमीर की कचहरी, पद्मला तालाब आदि भी इसी में स्थित हैं। दुर्ग का प्रमुख दरवाजा नौलखा दरवाजा है। दूसरे प्रमुख दरवाजे हैं हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल एवं त्रिपोलिया दरवाजा। अजमेर शासक पृथ्वीराज तृतीय के तराइन के द्वितीय युद्ध में हार जाने के बाद उसके पुत्र गोविंद राज ने यहाँ अपना शासन स्थापित किया था। हमीर देव चौहान यहाँ का सर्वाधिक प्रतापी व प्रसिद्ध शासक था। उन्होंने दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह, जिसे महमा शाह भी कहा जाता था, को शरण प्रदान की, जिससे क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों तक भी सफलता न मिलने पर अलाउद्दीन ने छल कपट से हमीर के दो विश्वस्त यानी कि विश्वासपात्र आदमी मंत्रियों को अपनी ओर मिला लिया, जिन्होंने दुर्ग के गुप्त दरवाजे का भेद इसे बता दिया। अलाउद्दीन के सैनिक गुप्त दरवाजे से अंदर पहुंच गए। रानियों व दुर्ग की स्त्रियों ने जोर किया तथा सभी वीरों ने केसरिया किया। राणा हमीर वीरगति को प्राप्त हुए। 13 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इस युद्ध में अलाउद्दीन के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो था। दुर्ग का यह शाखा राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण संभवतः अजमेर के चौहान शासकों ने लगभग कराया था। 1569 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की सेना ने दुर्ग पर आक्रमण किया, परंतु पूरी सफलता नहीं मिल पाई। तब आमेर के शासक भगवंत दास के प्रयासों से रणथंभौर दुर्ग के अधिपति बूंदी के राव सुरजन हाड़ा ने अकबर की दीनता स्वीकार कर ली एवं दुर्ग अकबर को सौंप दिया। अकबर ने रणथंभौर को अजमेर सूबे का एक सरकार यानी कि जिला बना दिया एवं यहां एक सिक्के डालने की टकसाल स्थापित की। मुगल काल में रणथंभौर को शाही कारागार के रूप में उपयोग किया जाता था। मुगल साम्राज्य के पतनोन्मुख होने पर यह दुर्ग जयपुर नरेश माधो सिंह प्रथम के अधिकार में आ गया। स्वतंत्रता प्राप्ति तक इस दुर्ग पर जयपुर रियासत का अधिकार रहा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्तों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास से घंटे के आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नए फ्रेश वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपके इसके नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।